हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे कि बॉयलर की मेंटेनेंस क्यों जरूरी होती है और इसकी शेड्यूल मेंटेनेंस कब कब करनी चाहिए, वीकली में क्या चेक होता है, मंथली में क्या चेक होना चाहिए और बॉयलर की एनुअल मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। जो भी बॉयलर एरिया में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जिनके पास बॉयलर है, उनको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि बॉयलर का रखरखाव और मेंटेनेंस क्यों इतनी जरूरी है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बॉयलर होता क्या है। जैसे आपको पता ही कि बॉयलर इज ए इक्विपमेंट और मशीन विच यूज टू कन्वर्ट वाटर टू स्टीम। तो बॉयलर एक मशीन है जो हम यूज करते हैं स्टीम जनरेट करने के लिए, जैसे आपको पता ही है। बात करते हैं कि इसमें रिस्क क्या होता है। रिस्क फैक्टर हमेशा बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो उसका रिस्क फैक्टर भी जानना बहुत जरूरी है। तो बॉयलर वर्क्स एट ए हाई हीट एडजस्टेंट टू प्रेशराइज वेसल विच पुट देयर ऑपरेटर्स एट ए रिस्क और बम्प एंड एक्सप्लोजन। बर्निंग ऑफ फ्यूज यूज इन बॉयलर में लीड टू फायर, कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग एक्ट। तो जो बॉयलर है एक काफी एक्सप्लोजन इक्विपमेंट होता है, जिसमें विस्फोट होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो हम आगे बात करते हैं कि बॉयलर की मेंटेनेंस में हमें कब कब क्या क्या चेक करना चाहिए। तो नॉर्मल जो बॉयलर की मेंटेनेंस होती है, एक साल में हम उसको चार भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम उसको बोलते हैं एक डेली चेक, कि हमें शिफ्ट के दौरान और दिन में हमें कौन कौन सी ऐसी जरूरी जो उसके चेक हैं वो हमें डेली चेक करने हैं। उसके भी बाद में आता है, दूसरे भाग में आता है कि वीकली चेक में हमें क्या क्या चेक करना है। तो मैं आगे जो वीडियो है उसमें ये भी बताऊंगा कि आपको डेली में क्या चेक करना है, वीकली में क्या चेक करना है। तीसरे भाग में बात करेंगे कि मंथली जो चेक रहेगा बॉयलर में, वो हमें क्या क्या इसके इक्विपमेंट एक्सेसरी या माउंटिंग क्या क्या चेक करनी है। उसके फाइनल भाग आता है एनुअल चेक। एनुअल चेक भी बहुत जरूरी होता है कि बॉयलर के रख रखाव के लिए, थोड़ा सा इसको शटडाउन देना जरूरी होता है। आगे हम पहले बात कर लेंगे कि बॉयलर के डेली चेक में कौन कौन सी ऐसी जरूरी चीजें हैं जो आपको डेली चेक करनी है, शिफ्ट के दौरान चेक करनी है, कौन कौन सी ऐसी इक्विपमेंट्स या जो चेक है। पहले पे आता है कि हमेशा आप बॉयलर का ट्रैक करते रहो, उसकी फ्यूल कंजम्पशन, उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप कंटिन्यू ट्रैकिंग रखो। डे में 1 घंटे आवरली या 2 आवरली, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको वाटर के पैरामीटर डेली चेक करने हैं, जिसमें टीडीएस आता है, पीएच आता है, हार्डनेस, अल्कलिनिटी, ये भी काफी फैक्टर होते हैं कि बॉयलर की रख रखाव या मेंटेनेंस के लिए और अच्छे ऑपरेशन के लिए। अगर पानी आपका बॉयलर का वाटर अच्छा है तो आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी भी अच्छी आएगी, जो स्टीम की क्वालिटी रहेगी वो भी अच्छी रहेगी और आपकी जो बॉयलर की लाइफ है और जो स्टीम्स लाइन है उसमें भी उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी। तीसरे पे आता है कि मॉड्यूलेशन फंक्शन आपको हमेशा चेक करना है कि वो लो और हाई पे मूव हो रहा है, स्टीम लीकेजेस तो नहीं है कहीं लाइनों पे, बॉयलर की जो मोबरी है वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आगे बात करेंगे कि आपको वीकली चेक में क्या क्या चेक करना है। वो जो डेली वाला चेक था वो तो आपको डेली चेक करना ही है, उसके दौरान आपको वीकली चेक में कौन कौन सी चीजें हैं जो चेक करनी है। जैसे बॉयलर की मोबरी होगी, बॉयलर की मोबरी को आपको लो और हाई वाटर लेवल पे अलार्म हमेशा चेक करना है, क्योंकि ये बॉयलर की सबसे अच्छी सेफ्टी रहती है। तो मैंने बॉयलर की सेफ्टी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर जाके देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बॉयलर की सेफ्टी जो है वो क्या क्या होती है और क्यों इनकी इतनी जरूरत होती है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें जाके। तो आगे बात कर लेते हैं बॉयलर मोबरी का। आपको अलार्म हमेशा चेक करना है कि वो ऐसा नहीं है कि बॉयलर अलार्म नहीं दे रही है मोबरी, क्योंकि अलार्म बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी वजह से एक्सप्लोजन का कारण काफी रहता है। क्योंकि बॉयलर में जितने भी न्यूज जो हमने आपने सुनी होंगी, एक्सप्लोजन वो कारण यही रहता है कि वाटर का लेवल काफी कम हो गया था या उसमें पानी की मात्रा ही खत्म हो चुकी थी। उसके बाद आता है उसमें मोबरी का ही एक अलार्म होता है, टू लो वाटर अलार्म। उसके बाद आपको ऑयलिंग और ग्रीसिंग हमेशा करनी है वाल्व में, क्योंकि स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको कभी सडनली कहीं लीकेज हो रही है तो आपको वाल्व बंद
और क्लोज करना पड़ जाए। स्टीम ट्रैप क्लीनिंग आपको जरूर करनी है, जितने भी आपके लाइंस में ट्रैप्स हैं, वाटर लेवल इंडिकेशन जो भी है आपको हमेशा चेक करना है, तो वीकली चेक में आपके पास ये सारे चेक आ जाएंगे। आगे बात बाहर करते हैं कि आगे बात करते हैं कि आपको मंथली चेक में कौन कौन सी ऐसे चेक्स हैं जो काफी नेसेसरीज रहते हैं। पहले तो आपको जो इसके प्रेशर स्विच रहते हैं उनकी आपको कट ऑफ की सेटिंग देख लेनी है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास प्रेशर स्विच तो लगा हुआ पर वो हाई प्रेशर में कट ही नहीं कर रहा हो। हाई और लो प्रेशर कट ऑफ सेटिंग भी आपको देख लेनी है। फोटो सेल देख लेना कि वो फोटो सेल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फोटो सेल चेक करने का होता है कि फोटो सेल को आप बॉयलर से बाहर निकालो और उसको एक बिल्कुल या कोई पोलोथीन या कागज लेके उसको एकदम लिवेट उसको लाइट बंद कर, उसमें देखना कि बॉयलर फायर होता है या नहीं होता है। या अगर बॉयलर आपका फायर है तो फोटो सेल को निकाल के एकदम से उसको टाइट पकड़ लो जिससे उसको लाइट ना पड़े, तो उसमें देखना कि बॉयलर शट डाउन होता है या नहीं होता है। तो ये फोटो सेल के लिए वो चेक रहते हैं। बॉयलर फीड वाटर चेक कर लो आप, उसके चेक वाल काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि स्टीम रिटर्न आती है। जो फीड वाटर पंप का ऑपरेशन है वो आप चेक कर सकते हो, ऑयल पंप का ऑपरेशन चेक कर सकते हो, सेफ्टी वेल ऑपरेशन भी आप चेक कर सकते हो, ये काफी जरूरी होती है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ वाल को तो आप मंथली कर ही लो क्योंकि ये काफी जरूरी होता है। बॉयलर की मोबरी का ऑपरेशन हमेशा चेक करो, जैसे वीकली वो जो वीकली चेक थे उसको वीकली चेक के अलावा आपको मंथली में भी ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आपको मंथली में वीकली चेक भूल जाने हैं, तो ये हमेशा आप फंडा रखना। पहले वीकली आप जब भी आपको मंथली आपके पास इंस्पेक्शन की डेट आए तो आपको पहले वीकली चेक करना है, उसके बाद आपको प्लस करना है मंथली चेक के लिए, तो हमेशा ये फंडा ही रहता है। तो बॉयलर चैलर स्मोक ट्यूब्स क्लीनिंग आप क्लीन कर सकते हो। अगर आपका स्टैग इंक्रीज हो रहा है डे टू डे तो आपको शेल और उसकी जो ट्यूब क्लीनिंग काफी करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जो सबसे जरूरी होता है कि एनुअल चेक। साल में एक बार तो बॉयलर पे ये जरूरी ही होता है। इसमें क्या होता है कि बॉयलर की लाइफ भी अच्छी रहती है, एफिशिएंसी हमेशा इंक्रीज होती है और इसमें जो भी एक्सप्लोजन का खतरा होता है वो काफी हद तक कम हो जाएगा अगर आप अच्छे से एनुअल मेंटेनेंस करते हो। तो एनुअल मेंटेनेंस के लिए सबसे पहला होता है कि बॉयलर की डी स्केलिंग करो। डी स्केलिंग के लिए भी केमिकल आते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा अगर हम लोग इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं वो थर्मैक्स का मैक्स क्लीन 05 रहता है, काफी अच्छा केमिकल है डी स्केलिंग के लिए। बस आपको पीएच मेंटेन करनी है 3 से 4 डिग्री और जो स्टीम का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन करना है 80 से 90 डिग्री तक। तो डी स्केलिंग आपको जरूर करनी है। पीआर स्टेशन की ट्रैपिंग सिस्टम आपको चेक करना है। पीआर वाल्स की किट आप रिप्लेस करते हो क्योंकि साल में ये जो पीआर वाल है ये काफी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और इसमें ड्यू टू डू इसकी जो किट्स रहती है वो फेलियर होने के काफी चांस हो जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर एनुअल मेंटेनेंस है तो आप पीआरवी की किट हमेशा रिप्लेस कर दो। बॉयलर मोबली के फ्लोर स्विच आप रिप्लेस कर दो क्योंकि वो भी ये सब वियर और टीयर वाले हैं कि एक साल में उन्होंने ऑपरेशन किया तो कुछ ना कुछ उनमें हमेशा वियर हुआ ही होगा। तो अच्छा है कि आप एनुअल चेक में इनको रिप्लेस ही कर दो। वाटर गेज ग्लास की क्लीनिंग कर सकते हो, फ्यूज के प्लग आप रिप्लेस कर दो, रस्टिंग जो भी नट वोल्ट है आप उनको रिप्लेस कर दो। बॉयलर की डीप क्लीनिंग करो इनर और आउटसाइड से, जो ट्यूब वाला सेक्शन रहता है जहां पे फायर होता है उसको भी आप अच्छे से क्लीन करो क्योंकि इनके ऊपर भी धीरे धीरे पानी के साथ जब ये बर्न होता है तो रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। आप इलेक्ट्रिकल पैनल की क्लीनिंग करो, ब्लोअर के साथ हमेशा इलेक्ट्रिकल पैनल की क्लीनिंग करना, वैक्यूम पंप मत यूज करना। कई वैक्यूम भी यूज करते हैं, वैक्यूम से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल वायरों को लूज कनेक्शन होंगे तो वो उसको प्रॉब्लम करेगा, तो आप हमेशा ब्लोअर यूज करो जिससे इसमें क्या होता है तो मॉइस्चर नहीं आता, इसमें गर्म हवा होती है तो इलेक्ट्रिकल पैनल की क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है। आप इलेक्ट्रिकल पैनल में कनेक्शन चेक कर सकते हो, कोई भी लूज कनेक्शन तो नहीं है, MCCV या जो भी आपके स्विच लगे हुए उनको रीटाइट करो। सेफ्टी वाल्व आप पूरे ओपन करो, ये सबसे ज्यादा अच्छा चेक रहता है। बॉयलर क्लीनिंग के दौरान जो भी आपका बॉयलर इंस्पेक्टर होता है ये चीजें हमेशा वो चेक भी करता है। बॉयलर सेफ्टी वाल्व आप ओपन करो, उसको डिसमेंटल करो अच्छे से, इनर साइड से उसकी क्लीनिंग करो, बॉयलर ड्रम साइड क्लीनिंग करो, ग्रीसिंग करो, मॉड्यूलेशन बॉक्स वगैरह में क्लीनिंग करो। और भी काफी चेक है जो मैंने लगता है मैंने काउंट नहीं किए तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, पर ये वाले जो है ये तो जरूरी ही है, आपको एनुअल मेंटेनेंस में इनको करना ही है। इससे आप जब करोगे एक बार तो आपको लगेगा कि बॉयलर की लाइफ कितनी अच्छी हो रही है और एफिशिएंसी भी बॉयलर अच्छी देगा। इसी के साथ मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। आशा लग
करूंगा। आपको वीडियो पसंद आए ऐसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे और नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर दें, जिससे आपको नई नई वीडियो आती रहेगी। तो इसी के साथ थैंक्स, हेल्दी रहें, खुश रहें, बाय।